गाइस yes. जैसे कि भाई तुम्हें पता है कि चुगली कितनी पसंद है अपने को, समझ रहे हो? हाँ. तो हमने बनवाए चुगल ग्राउंड कंटेस्टेंट्स के बीच में, उसके अंदर से एक चुगली हमें मिलती रहेंगी. गॉसिप लाइन में मत मारेंगे. गिन्नी का कुछ चल रहा है, बहुत शोर मचा रहा है यार. अच्छा. तो मजा तो आएगा देखो, अब ना इनके अंदर की बातें पता लगेंगी. चलो देखते हैं. This is gory gossip line mat maar liye fresh Aryansh as a crush on Riya. Mitpat bhai Rajat ka aur Ginni ka kuch chal raha hai. Manave ye jo londa aaya hai Haryana se, Bharat naam hai iska. Oh my god, ek number ka show off. Saari ladkiyon ko impress karne ke chakkar mein aapki shayariyan aise farmana jaise usne khud likhi ho. ओ आ गया आ गया आ गया, ओए पंजाबी मुंडा आ गया. ओए ये कौन है? कैसे हो गाइस? राम राम. राम राम भाई, राम राम. हाय, मेरा नाम भरत मदान है, मैं 24 साल का हूँ, मैं रोहतक हरियाणा का रहने वाला हूँ. मैं एक एक्टर, मॉडल एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ. सोशल मीडिया पे मेरे 3.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. लास्ट टाइम मैं एज ए वाइल्ड कार्ड आया था, बट ड्यू सम रीजंस मुझे सेट से वापस जाना पड़ गया था. ऐसी मेरी लाइफ जर्नी बिल्कुल भी ईजी नहीं रही है. 2017 से मैंने कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, बट तब से लेकर अब तक की जर्नी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रही है. बट उसके बाद अब जाके लोग मुझे थोड़ा बहुत पहचानने लगे हैं. इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ. अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताऊँ तो मैं डांस, फिटनेस, गेमिंग, मेरी फेवरेट गेम्स हैं ए स्पोर्ट्स, स्ट्रीट फाइटर, शेडो फाइट एंड वैलोरेंट. एंड मैं अभी प्लेग्राउंड के प्लेटफॉर्म पे आने वाला हूँ, तो मैं वहाँ पर भी ट्रॉफी आकर जीतूंगा ही जीतूंगा. किसी में दम हो तो रोक लेना, हरियाणा तय मेरे भाई. कति डिफरेंट गेम की ना, गेम पलट देंगे. राम राम. सब हरियाणा से आ रखे हैं क्या? सर आप हरियाणा से आए हो ना, आपने इतना फेमस कर दिया कि अब हमें इतना कॉन्फिडेंस मिल गया कि हम भी कुछ कर सकते हैं. सर कहाँ से हो तुम हरियाणा? रोहतक सर. HR 12 से हो तुम? यस सर. मेरा एक बहुत खास दोस्त है, वो भी रोहतक से ही है. सर मैं भी आपका दोस्त हूँ. तुम तो छोटे भाई हो मेरे. अरे क्या बात है. मैं कुछ कहना चाहता था, एक बार बस वाह कर दोगे आप? Yes, let's go. बात कुछ ऐसी है कि शाम गुलाबी, दिल जमा और मौसम हसीन हो गया है. एल्विश भाई को देखकर लड़कियों का दिल रंगीन हो गया है. वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है. पुराने लैंडलाइन सा बज रहा था दिल का टेलीफोन, एल्विश भाई के सामने आते ही लेटेस्ट टच स्क्रीन हो गया है. वाओ. कर दो. अरे देखो, चीटिंग नहीं करेगा. नहीं सही में अच्छा था. थोड़ा वाह तो बनता है ना यार. बाय वाह. अरे लव यू एल्विश भाई. इसके लिए भी एक आपके लिए शायरी है. तेरी सीरत साफ शीशे की तरह, मेरे दामन में दाग हजारों हैं. तू नायाब किसी पत्थर की तरह, मेरा उठना बैठना बाजारों में है. मैंने खोया है अपनी हर प्यारी चीज को, मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊंगा. कोई खास बचा नहीं जमी पर मेरा अपना, तू कबूल करे तो अपने गवाहों को आसमान से बुलाऊंगा. क्या बात है. अरे अरे जेन्युइन अच्छी थी भाई, जेन्युइन. क्या बात है मुनावर भाई. वैसे आप बोले नहीं कि आपकी शायरी है, आपको पता है मैं आपकी शायरी बोल बोल के बाद लड़कियां इंप्रेस कर रहा हूँ. इसने तो करी है वैसे भी बहुत सारी ना. अरे मैं भी कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी लड़कियां इंप्रेस. इसके जितनी नहीं कर पाओगे भाई. करें इसको. इसको जज करें. ये भी देख लेते इसका. बढ़िया है यार तुम्हारा तो मस्त है. ये जो लिखा रहा है ना ये बीच में. मैं कंफ्यूज हो गया. अपने मुझे क्यों नहीं दिखा? और सिस्टम है असली का सिस्टम है. आप सर. अरे भाई साहब तब तक एक और शायरी बोल दूं? हाँ मेरे भाई कर देना यार. आप कहें तो कायनात की सारी खुशी आपकी ओर मोड़ दूं. वाह 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 वाह. आप कहें तो चांद सितारों को भी तोड़ दूं. ये खुद भी तोड़ सकता है भाई, इतनी हाइट. इतना बहुत है मेरी जान, या एक दो झूठ और बोल दूं? For more entertainment, tune into Amazon MX Player. Hi everyone, स्वागत है सभी का हमारे नए ब्लॉग में. तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इस टाइम हूँ प्लेग्राउंड के सेट पे. यार मेरे को बिलीव नहीं है, लेकिन दार है, कितनी अच्छी. यार मैं बात कर रही थी ना यार, तो जो बीच में हर बार टपकना जरूरी है. कैमरा कितना मस्त है यार. कैमरा मस्त है तो वो मेरे लिए है ना भाई.
फाइन, मैं अपना ब्लॉग बना ली, कहीं से भी आ जाती है यार। तो कैसे हो आप सर? यार कितना फुटेज खाते हैं यार ये लोग, जहाँ मतलब देखा नहीं कि मिल रहा है, ठीक है ना, कैमरा खुला है वहीं पे। अबे जान है, सॉरी सॉरी भाई, तू छोटा भाई है ना मेरा, छोटा भाई है ना भाई। तू खूबसूरत है या इस फोन का कैमरा? मैं खूबसूरत हूँ। माय गॉड, मैं फाइनली प्लेग्राउंड के स्टेज पे पहुंच गई और मेरे ठीक सामने सारे मेंटर्स हैं। मेरे को ना बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं इनको रियल में देख रही हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं अभी इनको व्लॉग में लेती हूँ और आप सब लोगों से मिलवाती हूँ। हाय बिग फैन। थैंक यू। इसका असली नाम क्या है? सामने से इनको देख के। तो अभी मैं व्लॉग बंद करती हूँ, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। तो नमस्ते, मैं हूँ गिनी पांडे और मैं कुल्हड़िया से आई हूँ, बिहार के छोटे से गांव से। हम बिहारी हैं बउआ। हाय एवरीवन, मैं हूँ गिनी पांडे, मेरी एज 19 है और मैं एक बिहार के छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ जिसका नाम है कुल्हड़िया। तो मैं एक छोटी सी ब्लॉगर हूँ। देखो, मेरा इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं है सिवाय काली के। काली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, काली और गोरी। 11-12 मेरे अंदर इतने सारे टैलेंट है ना, बस उस टैलेंट को मैं गिन रही थी। सोचो कितने सारे टैलेंट है, मतलब उस टैलेंट को शोकेस करने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहती हूँ। क्या क्या करते हो आप? आप जो कह दो हम वो कर देंगे। नहीं, वो तो नहीं करवाना। कितने टैलेंट हैं आप में? बहुत सारे हैं। मैं मतलब गाना प्रिपेयर करके लेके आई हूँ। अच्छा, वो हिंदी गाना है। हाँ। उस पे मैं भोजपुरी करके तैयार करके लाई हूँ। अच्छा, तो आपको बताना है कि हिंदी में ये कौन सा गाना है। करो शुरू। मुन्नव भाई हमारा गेम मेल तू ले ला, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। ठीक है ठीक है। और एक और गेम में आके मिथ पैट से मिलने जब हम लगता उनके टीम में हम जाइब, मेंटर्स तबारे एजा खूब लेकिन जो इन वीडियोस से तुम्हारे फॉलोअर बढ़े? नहीं नहीं नहीं, कम हुए। फैमिली व्लॉग भाई, व्लॉग में तो कुछ भी चल जाता है, तेरे को पता ही है। हाँ भाई, तभी नहीं चल पा रहा मैं। आप ही को देख देख के हम लोग ये सब मुझे मत देखा करो यार। मैं तो अपील कर रहा हूँ सबसे, मुझे देखना छोड़ दो। लेकिन आपका गेमिंग कैसा है? पहली बार छुआ है वो, तो इससे पहले तो मैं सांप सीढ़ी खेलती थी। कुछ और खेलो। सांपों की बात ना करें, मुनावर की याद आती है मुझे। अगर आप चाहते हैं एंटरटेनमेंट नहीं रुके तो ट्यून इन टू Amazon MX Player। हेलो, मेरा नाम वैभव दीक्षित है और मैं 21 साल का हूँ। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ और करेंटली मैं मुंबई में रहता हूँ। तो जब मैं मुंबई आया था तो मैं कई सारे जिमों में गया, मैंने काम मांगा, किसी ने काम नहीं दिया मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान रहता था। उसी टाइम पे मेरे दोस्त ने बताया था थिएटर के बारे में, तो मैं वहाँ पहुँचा उन्हें डाल और मुझे रख लिया। हमेशा ही बोलता हूँ कि मैं वो अंधेरा हूँ जिसको सिर्फ एक स्पॉटलाइट की ज़रूरत है, वो सिर्फ पड़ेगा ना तो मैं सिर्फ चमकूंगा। तो वही हुआ, मैंने कंटेंट बनाया और फिर वीडियोस मेरी उठ के वायरल हो गई और फिर मेरा काम सारा अच्छा हो गया। लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था कंटेंट क्रिएशन में उस टाइम पे, बहुत सारे लोग अप्रोच करते थे मुझे। तो उसी टाइम पे मेरे को एक दोस्त ने मुझे एक मैसेज किया था, उस टाइम पे उसके 50,000 फॉलोअर्स थे बट डेड फॉलोअर्स थे। अपॉर्चुनिटीज आती थी, जो मेरे पास आती थी मैं खुली किताब की तरह उसके सामने रख देता था। लोग जैसे दिखते वैसे होते नहीं है, उसका बिहेवियर चेंज होने लगा था। मतलब वो बोलता था कि भाई मैं आपकी वजह से आगे बढ़ रहा हूँ, बट वो एक्शंस में नहीं दिखता था। तो मैं इसीलिए आना चाहता हूँ इस शो में कि मैं उनके मुँह पे क्या तमाचा मार सकूँ, ना कि हाथ से अपने मुँह से, और लोगों के सामने सच्चाई ला के।
तुमने इसमें लिख रखा है कि तुम्हारे पास कोई चैलेंज है। यस, क्या आने वाला था उसमें? सो बेसिकली एक गेम है जिसमें आप चारों मुझे हरा ही नहीं सकते, मतलब कुछ भी कर लो। क्या पिटने का गेम है? पिटने का गेम नहीं, बहुत बेसिक गेम है, बचपन में सबने खेली होगी। मैं आपको मारूंगा, आपको बचना है। अगर आप बच गए ओके, तो आप मुझे पीटोगे। गॉट इट। तो खेलना चाहेगा कोई? किसके साथ खेलना है तुमको? जिसकी मर्जी हो, चारों आ जाओ। आई मीन प्लीज, मुझे बड़ा मजा आता है ये सब करता है। मारना है ना मुझे इसमें? नहीं, बचना है आपको। और ये क्या है? अगर ये बच गए तो फिर ये मुझे मारेगा। अगर वो बच गया तो तू नहीं बचेगा, देखते। नहीं, हाँ नहीं, मार के। चलो दो कुर्सी दे दो। सो बेसिकली करो आप ऐसे। ओके, रिफ्लेक्स का गेम है। तुम किस हाथ से मार? राइट हैंड से मार सकते हो, लेफ्ट हैंड से भी मार। अच्छा, दोनों हाथ चलेंगे ऐसा। तुम कब तक मारते रहोगे? जब तक आप बचोगे नहीं। अच्छा, ऐसे ही मारते रहोगे? हां, 3 2 1 स्टार्ट। चलो भाई। भाई मार तो सही रहा। ओह भारत मदान का बदला तेरे से ले रहा भाई। भाई उसके टीम में भरत, इतना याद रख। भरत उसकी टीम में, क्या कर रहा है तू? स्लो क्यों मार रहा है भाई? छोटा रहा पूरा भाई। एलविश भाई ने पहली बार किसी के सामने हाथ जोड़े और मार नहीं खा रहे भाई, पहली बार। मजा भी आ रहा। एंटरटेनमेंट इसी तरह चलती रहेगी, बस देखते रहिए Amazon MX Player। Hi, hi. How are you? I'm good. How are you? So my name is Pragya, aka Winter. So आपकी gaming skills हम test करेंगे on higher QD mini LED। जिसमें आपको खेली होगी Wreckfest game। Are you ready, Winter? Yes, I am. Let's go. Oh, we must be जाना है, आगे जाना है। धीरे धीरे धीरे, just slow and steady. You're too fast. Oh my god. No. You are a gamer, right? Focus. धीरे. I'm trying. Yes. Oh. Well played, yeah, Winter. How was your gaming experience? It was really good, like a screen all quality. Yeah, good or unmatched to hoga because the TV has MEMC 144 Hz. Damn. But now we have to talk about you because you have to go inside and kill it on the stage. Yeah, I will. Yeah, Winter. Definitely. Yes. Macha do, huh? Yeah, go. Chalo. See you, all the best. Hello guys, what's up? This is your girl Pragya, aka Winter, and I'm from Devo Ki Bhoomi, Himachal Pradesh, Shimla. I'm an architect, artist, gamer, YouTuber, content creator, and a streamer. But say headshot. मैं बूट कैंप आती हूँ, बूट कैंप आके हम गेम्स खेलते हैं बहुत सारे, लाइक पीसी गेम्स, मोबाइल गेम्स विद प्लेयर्स, विद स्पोर्ट्स प्लेयर्स। लेट्स गो, लेट्स गो विंडर, नाइस गेम। सारे लड़कों के मैं गेमिंग में छक्के छुड़ा देती हूँ। क्यों राइडर? तो गेमिंग मेरा पैशन है और यही पैशन लेके आ रही हूँ मैं प्लेग्राउंड में। So get ready folks because winter is coming. So hey guys, जय श्री राम सबको। मेरा नाम है शिवम और इंडिया में लोग मुझे अदृश्य के नाम से जानते हैं और पाकिस्तान में जीत जा। आपको पता होगा हरियाणा के लोग कैसे होते हैं, ठीक है? तो बस वो चीज आ गई मेरे अंदर, तो किसी से मैं दबता नहीं। अगर मैं भी गलत हूँ फिर भी नहीं दबूंगा मैं। अगर मैं प्लेग्राउंड में आता हूँ ना, कसम से कह रहा हूँ, सबसे सूसो निकलवाऊंगा मैं, क्योंकि इन्होंने देखा नहीं है कि रियल लाइफ सिग्मा क्या होता है। अब इनको दिखाऊंगा रियल में रोस्ट कैसे करते हैं। पता है मेरे को ऐसा लगता है कि एल्विश भाई और मुनावर मेरे को सेलेक्ट कर लेगा। दोनों जेल में गए, मेरे को भी जाना है। थैंक यू सो मच। बस एक सेकंड, चार पुशअप रह गए थे मेरे ना। एक, दो, तीन, चार। शुरू करो। आप क्या बताओ अपने बारे में? अरे बता दो यार अपने बारे में। पहले ऑफेंड हो गया यार तू तो। रोस्टर है, झेल नहीं पा रहा अभी से। रोस्ट तो किया ही नहीं तूने।
भाई भाई एल्विश तू बता रहा था ना अभी जो चीज चुगली आई है। क्या चुगली आई है देखो भाई। हाय मुनव्वर, मुनव्वर यहाँ पे ना एक लड़का है शिवम नाम का जो कि होल्डिंग एरिया पे तुम्हारे और तुम सारे मेंटर्स के बारे में अनशन बातें कर रहा है। एंड अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा वीडियो या क्लिप आए जिसको देख के तुम ये पता लगा सको तो आई थिंक यू रियली शुड, बिकॉज दिस इज समथिंग रियली नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि वो कुछ भी बोल रहा है और उसको सिर्फ रोस्ट का नाम दे रहा है। भाई क्या क्या कर रहे हो तुम पीछे? चुगली कौन, क्या चुगली है ये तो बता। चुगली ये है कि तू सब मेंटर्स के बारे में बैकस्टेज अच्छा अच्छा कुछ तो बोल रहा था। अरे मैं तो तारीफ कर रहा था, आप क्या हट्टे कट्टे भाई हो यार। ना वीडियो देखते ना, क्या तारीफ कर रहा था? दिखाओ भाई मेरे को, दिखाओ मेरे को, देखना यार मेंटर मेरे को एल्विस भाई, और वो मेरे गुड़गांव का ही है। हाँ पहले हम दोनों बचपन में गाय के दूध साथ पिया करते थे, उन्होंने ज़्यादा पी लिया। यार मुनव्वर को मैं पर्सनली तो वैसे जानता नहीं, ठीक है, बट मेरे को समझ नहीं आया भाई का करियर कैसे बना, जेल से या कॉमेडी करके। टू बी ऑनेस्ट लाइक गेमिंग में मेरा कभी ज़्यादा इतना इंटरेस्ट रहा नहीं, तो उनको मैंने देखा ही नहीं है। इससे पिछले सीजन में थे वो? और इससे पिछले में क्यों कोई और मतलब जज खाली नहीं रहता, उनको ले आते हो आप? आपको रोस्टिंग पसंद है ना? मतलब रोस्टिंग पसंद नहीं, कर लेता थोड़ी बहुत। आप करना शुरू करो। मैं तो करता ही हूँ ब्रो, इसीलिए यहाँ पे बैठा हुआ। पता नहीं जल्द स्टैंड अप कॉमेडी करते हो या रोस्ट, दोनों आर्ट फॉर्म अलग अलग है, तू नहीं समझेगा। भाई आप समझाओ थोड़ा सा, मेरे को समझ नहीं तो आया हूँ मैं। नहीं तो मैं भी चूज करता हूँ ना, आई पिक पीपल ब्रो, मैं खुद चूज करता हूँ। तो जेल चूज किया था या खुद ही? वो सब नसीब में होता है, किस्मत में लिखा होता है। वैसे भाई बता आपको, मैं 4 बार मिल चुका हूँ, मुझे एक भी बार याद नहीं है, तो समझ जा तू कितना इंपॉर्टेंट है। जेल में था ना, उस जेल में मेरा ताऊ जेलर था। For more entertainment, tune into Amazon MX Player. क्या चालू है? Tuning into Hero Extreme Presents Playground Season 4 powered by Techno Mobile. Big thanks to Haya for keeping the gaming TV lit. Catch you on the flip side. देखिए प्लेग्राउंड का नया सीजन ओनली ऑन Amazon MX Player, वो भी बिल्कुल फ्री।